Bueno, myself Dr. Kushagra Dubey, Associate Professor, Ismaili College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of video is titration. Definition of the titration, titrate equivalence point indicator and titration error. So what is the meaning of titration? The process of adding the solution from a graduated vessel to the known volume of the solution measured by means of another graduated vessel called a pipette being determined until the reaction is just complete is known as titration. Such analysis is also called as titrometric analysis. So titration का मतलब होता है कि हम एक solution को add कर रहे हैं from a graduated vessel. This is a burette, graduated vessel जिसमें marking है, to the known volume of the solution. इसमें जो known volume है solution का, जिसको कि हमने measure किया है from a pipette, ये भी एक graduated glassware है, जिसको हमको titrate करना है, इसमें solution है हमारा, okay? Until the reaction is just complete. जब हमने burette से कोनिकल में सॉल्यूशन को ऐड किया है और नीचे रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक हमको उसको टाइट्रेट करना है, ओके, या हमको ऐड करना है, इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं और ये एनालिसिस को हम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं. एक ग्रेजुएटेड ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में, दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क, दिस इज कोनिकल फ्लास्क. सो ब्यूरेट से जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एड करेंगे सॉल्यूशन इन दिस कोनिकल फ्लास्क और जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, इसकी एडिशन की, इसमें रिएक्शन कंप्लीट होगी हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता चलेगा इंडिकेटर हम उसमें जब एड करेंगे और कलर चेंज होगा इन द कोनिकल फ्लास्क, तो हमको पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं. नाउ टाइट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन स्ट्रेंथ used in titration is called a titrate. This is usually added from a burette. जो burette से हम add कर रहे हैं, जिसकी strength हमको पता है, उस solution को हम titrate कहते हैं. Titrate, the active substance in solution to be determined by titration. Conical flask में जो solution है, जो active substance है, जो हमको determine करना है titration के through, उसको हम titrate कहते हैं. Now equivalence point and end point. The point जो burette reading है, at which the reaction is just complete in a titration is called the equivalence point or stoichiometric endpoint or theoretical endpoint. जो point जहां भी reaction just complete हुई है titration के through, उसको हम equivalence point, stoichiometric endpoint और theoretical endpoint कहते हैं. However, the point at which the indicator gives a visual color change is slightly higher than the equivalence point and is called the end point of the titration. जब हम indicator use करते हैं तो वो हमको visual color change, visual मतलब जिसको हम देख सकते हैं, तो visual color change देता है, पर वो थोड़ा सा higher होता है than the equivalence point और उसको हम end point of the titration कहते हैं. समझिए, इसको दो चीजें हैं, equivalence point and end point. Equivalence point मतलब theoretical end point, जो हमने theory से निकाला. For example, अगर हम कहें 10 ml हमने NaOH लिया है, 10 ml हमने KHP लिया है, तो हमारी जो reading है वो 10 आनी चाहिए. theoretical हमने निकाल लिया कि 10 ml अगर हमने KHP लिया है और पूरा calculation करा, तो हमको लगा कि हाँ 10 ml पर reading आनी चाहिए. But जब हम titration करने गए और हमने indicator add किया, जब दोनों की ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन की रिएक्शन कंप्लीट हुई और कलर चेंज दिखाया इंडिकेटर ने, तब हमको दिखा कि 10 की जगह 10.1 रीडिंग आई है. क्लियर? तो ये जो 10 आना था, जो हमने कैलकुलेट किया था फ्रॉम द थ्योरी कि इतना इतना हमने लिया है तो इतना आना चाहिए, तो हमने कैलकुलेट किया 10, बट आया कितना? 10.1. तो जो 0.1 है, 10.1 माइनस 10 मतलब जो हमारा इंडिकेटर की वैल्यू है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट इंडिकेटर से आएगा, जो हमारा एंड पॉइंट आया जिसमें हमने ब्यूरेट से देखा 10.1 है, उसमें से हम थियोरेटिकल पॉइंट को माइनस.
10.1 माइनस 10 दैट इज 0.1, तो 0.1 हमारा एरर भी आएगा. तो ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है एंड पॉइंट वन. टाइट्रेशन हुआ, टाइट्रेट इक्विवेलेंस पॉइंट है एंड पॉइंट. तो अब टाइट्रेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम एड कर रहे हैं सॉल्यूशन फ्रॉम अ ब्यूरेट ग्रेजुएटेड वेसल जिसको हम ब्यूरेट कहते हैं इन टू द कोनिकल फ्लास्क और वो जो रिएक्शन कंप्लीट होगी उसको टाइट्रेशन कहेंगे. नाउ इंडिकेटर, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर? हम कह रहे हैं इंडिकेटर ऐड किया, इंडिकेटर ने कलर चेंज दिखाया, तो व्हाट इज इंडिकेटर? एन ऑक्सिलरी रिएजेंट व्हिच हेल्प्स फाइंड द विजुअल पॉइंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन इज कॉल्ड एन इंडिकेटर. ऐसा रिएजेंट जो हेल्प करता है हमको विजुअल एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में उसको हम इंडिकेटर कहते हैं. आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कंप्लीट द इंडिकेटर गिव्स अ क्लियर विजुअल चेंज आइदर अ कलर चेंज और द फॉर्मेशन ऑफ द टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन बीइंग टाइट्रेटेड. नाउ जब रिएक्शन दोनों के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हुई, सॉल्यूशन हमारा ब्यूरेट में भी है, कोनिकल फ्लास्क में भी है, दोनों के बीच में जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो इंडिकेटर ने हमको कलर चेंज दिखाया. हाँ, अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, आप अपना टाइट्रेशन को स्टॉप कर दीजिए. ओके, तो ये जो उसने क्लियर विजुअल चेंज दिखाया, अब कलर चेंज हो सकता है कि कलर ना दिखे हमें, कलर हमारा पिंक ना हो, रेड ना हो, टर्बिडिटी आ जाए, मतलब एक व्हाइटिश व्हाइटिश हो जाए हमारा सॉल्यूशन, वो भी इंडिकेटर है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. ठीक है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, अब स्टॉप कर दीजिए. सो इंडिकेटर कौन है? एन ऑक्सिलरी रिएजेंट विच हेल्प्स टू फाइंड द विजुअल पॉइंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन इज कॉल्ड एन इंडिकेटर. नाउ टाइट्रेशन एरर, इन द आइडियल केस ऑफ अ टाइट्रेशन द विजिबल पॉइंट एंड द थ्योरेटिकल एंड पॉइंट दैट जो इसको कि हमने इक्विवेलेंस पॉइंट कहा है शुड कोइंसाइड एग्जैक्टली. अगर हम आइडियल टाइट्रेशन की बात करें तो हमारा जो थ्योरेटिकल हमने एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट निकाला है और जो हमारा इंडिकेटर के बाद एंड पॉइंट आया है ब्यूरेट की रीडिंग, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए. बट इन प्रैक्टिस दिस कैन नेवर हैपन एंड यूजुअली अ वेरी स्मॉल डिफरेंस अकर्स बिटवीन द टू एंड द विजिबल एंड पॉइंट इज स्लाइटली हाई. बट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है, बहुत स्मॉल डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में, ब्यूरेट की रीडिंग अलग आएगी और जो हमने थ्योरी से निकाला था इतना हमारा रीडिंग आनी चाहिए, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आता है. और इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो विजुअल एंड पॉइंट है, जो इंडिकेटर डालने के बाद एंड पॉइंट आया है, वो थोड़ा सा हायर आएगा. मतलब हमारा इंडिकेटर जो डाला था उसके बाद की हमारी रीडिंग 10.1 आएगी, हमने सोची थी 10. ठीक है, दिस डिफरेंस प्रैक्टिकली ऑब्जर्व एंड पॉइंट माइनस स्टोइकोमेट्रिक एंड पॉइंट और थ्योरेटिकल एंड पॉइंट इज नोन एज टाइट्रेशन एरर. इसको हम टाइट्रेशन एरर कहते हैं. कौन सा किसके बीच में डिफरेंस हुआ? जो हमने इंडिकेटर एड करने के बाद ब्यूरेट की रीडिंग लाए 10.1, उसमें से माइनस करेंगे जो हमने थ्योरी से पता करा कि इतना आना चाहिए 10.1 माइनस 10 दैट इज 0.1. तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आता है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस आता है बिटवीन द टू. तो ये हमारा जो था इंडिकेटर एंड टाइट्रेशन एरर. इंडिकेटर इज एन ऑक्सिलरी रिएजेंट विच हेल्प्स टू फाइंड द विजुअल पॉइंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन. विजुअल पॉइंट मतलब जिसको हम देख सकते हैं विथ अवर आइज, हम आइज से उसको देख सकते हैं, विजुअल है, अभी हमको विजुअल चीजें दिख रही है, हम ट्री देख सकते हैं, हम मोबाइल देख सकते हैं, हम लैपटॉप देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, विजुअल है, सब विजुअल है. ठीक है, तो विजुअल पॉइंट इन दिस वीडियो वी हैड स्टडी अबाउट द टाइट्रेशन, टाइट्रेट इक्विवेलेंस पॉइंट, इंडिकेटर एंड टाइट्रेशन एरर. नाउ हमने ये देखा कि टाइट्रेशन क्या है. टाइट्रेशन इज द एडिशन ऑफ अ सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन को ऐड करते हैं फ्रॉम दिस ग्रेजुएटेड वेसल जिसको कि हम ब्यूरेट कहते हैं इनटू द कोनिकल फ्लास्क. इसमें सॉल्यूशन है, इससे हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे और इंडिकेटर इसके अंदर हमने ऐड किया है जिसके कारण हमको कलर चेंज दिखाई देगा. नाउ दिस इज पिपेट. पिपेट के थ्रू
इससे वॉल्यूम मेजर करके हम इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है वो हम ऐड करेंगे. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइट्रेन, टाइट्रेन हु इज टाइट्रेन, द सॉल्यूशन ऑफ द नोन स्ट्रेंथ. नोन स्ट्रेंथ का मतलब है 0.1 नॉर्मल, 0.5 मोलार, 0.5 नॉर्मल. मतलब नॉर्मलिटी मोलालिटी अगर हम देखें तो उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं. तो हमने हमको पता है हमने इसमें कितनी स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन ऐड किया, लाइक 0.1 नॉर्मल NaOH, 0.5 मोलर NaOH क्यूबिक. ठीक, अब टाइट्रेन ANT आता है, ANT यानी आंट चीटी. ठीक है, तो ये जो भी ब्यूरेट में होगा वो होगा टाइट्रेन. जो चीटी है वो इसमें जो सॉल्यूशन शुगर है उसको शुगर को ढूंढते हुए आए. ऐसा हम अगर हमको थोड़ा सा रिमेम्बर करना है तो हम इस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं. सो टाइट्रेट जो ब्यूरेट में होगा उसको टाइट्रेंट कहेंगे, जो सॉल्यूशन इसमें है नॉन स्ट्रेंथ का टाइट्रेट उसको टाइट्रेट कहेंगे. देन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट, जो हमने थ्योरी से पॉइंट निकाला है स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट, वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है जो हमको इंडिकेटर है पूरे टाइट्रेशन के रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कलर चेंज दिखाया है वो हमारा एंड पॉइंट है, दैट इज अवर एंड पॉइंट. एंड इंडिकेटर एक ऑक्सिलरी रिएजेंट है जो विजुअल कलर चेंज और एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, बिकॉज नेम इज इंडिकेटर तो इंडिकेट ही करेगा. देन टाइट्रेशन एरर, हमने जो सोचा था कि हमारा आंसर 10 आना चाहिए, थ्योरेटिकल एंड पॉइंट या स्टोइकोमेट्रिक जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है वो इतना आना चाहिए, बट जो अगर हमने देखा कि विजुअल जो इंडिकेटर ने कलर चेंज दिखाया, जो हमारा विजुअल एंड पॉइंट आया है वो आया है 10.1. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 10.1, तो क्योंकि हायर है 10.1 माइनस 10, जो हमारा 0.1 डिफरेंस है वो हमारा टाइट्रेशन एरर होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइट्रेशन, टाइट्रेट, इक्विवेलेंस पॉइंट.